हेलो चिल्ड्रेन, दिस साइड मैम वर्षा। वंस अगेन वेलकम यू टू योर ज्योग्राफी क्लासेस। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर लेसन 2। चिल्ड्रेन, कैन यू लोकेट द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स मैनी ऑफ यू नो देर आर two island groups. India is having two island groups, Lakshadweep island and Nicobar, Andaman and Nicobar island groups. So about these two island groups we'll learn in detail in this video. So let's begin. Children, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि island होता क्या है. An island is any piece of subcontinental land that's surrounded by water, है ना? कोई भी जो मेजर लैंड है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज नोन एज द आइलैंड। ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू वी हैव टू आइलैंड ग्रुप्स। द फर्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड्स। चिल्ड्रन, आई सेड आइलैंड ग्रुप्स, नॉट आइलैंड। ओके, तो वहाँ पर जो ये आइलैंड ग्रुप्स हैं वहाँ पर बहुत सारे islands hain. First we talk about the Lakshadweep island. They are in the Arabian Sea. Where it's located? They are located in the Arabian Sea. Its area is 32 square kilometer. The administrative headquarters is Lakshadweep is at Kavarati island. And this group of island is rich in terms of biodiversity. चिल्ड्रन, लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ये बच्चों मालाबार कोस्ट के पास में है और इस इट इज़ हैविंग टोटल 36 आइलैंड। ठीक है, अब जो बच्चों पहले जो लक्षद्वीप आइलैंड था ना, इसको लकादीव, मिनीकॉय और अमीन दीव के नाम से भी जाना जाता था, बट फ्रॉम 1973 इट हैज़ गिवन द नेम लक्षद्वीप आइलैंड। Here climate is very pleasant and that is why there is a with too much diversities in flora and fauna we found here. Okay children, ये बच्चों 36 island में से एक ऐसा island भी है जिसे पक्षीपति island कहा जाता है. Why? Because there no human beings are living here, only different kinds of birds we found here, that is why it is also known as a bird sanctuary. Next, Andaman and Nicobar islands are bigger in size and has more number of islands. बच्चों, जहाँ हमने देखा कि लक्षद्वीप island, how many total small island groups are there? 36. वहीं पे बच्चों अंडमान निकोबार में total 572 small islands are there. अब बच्चों हम इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे कि भाई अंडमान एंड निकोबार ये दो नाम क्यों हैं इस आइलैंड्स के. सो इट इज़ आई वांट टू मेक यू क्लियर, अंडमान इज़ इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इज़ द साउथ. ये जो बच्चों आइलैंड ग्रुप है ना, इसका नदर्न पार्ट जो कहलाता है वो अंडमान कहलाता है एंड सदर्न पार्ट निकोबार कहलाता है. एंड हियर ऑल्सो दिस आइलैंड, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बच्चों, इट इज़ सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, तो ये बच्चों यहाँ पे इक्वेटर के बहुत करीब है, दैट इज़ वाई दिस आइलैंड्स रिमेन्स वॉर्म. ओके, और वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है बच्चों, वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेराइटी वी फाउंड हियर. चिल्ड्रेन, ये घने जंगलों के लिए बहुत फेमस है. एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहती हूँ बच्चों, कि जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियलिज्म था, है ना, कॉलोनियलिज्म, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड हियर ओवर इंडिया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था बच्चों, दे बिल्ड अ जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दैट इज़ नोन एज द सेलुलर जेल. ओके, सेलुलर जेल कहा जाता है उसको. तो जो भी प्रिजनर्स होते थे बच्चों, तो वहाँ पे उनको सज़ा दी जाती थी, है ना, जिसको काला पानी की सज़ा भी बोलते बच्चों, कि चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी, तो जो कैदी थे वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे. बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कहा भी जाता है कि यह जो आइलैंड्स है, यह पहाड़ों के, बड़े बड़े माउंटेन्स के पानी में समा जाने के कारण विकसित हुए हैं.
In your book, this much I have given about the islands, but little more information I want to share with you is Andaman and Nicobar Island, bachcho. These island groups are of great economic and strategic importance for the country. As you can see here, it provides tourism potential, security, trade, migration, arms smuggling also, found here smuggling of natural resources also. Here, the Lakshadweep Islands, as we have learned that there are 36 coral islands we found here that constitute the Lakshadweep Island, but from that only 10 are inhabited and only 6 have been opened for tourism. Their total land area is 32 km square. These islands formed of coral deposits are called atolls. Atolls are circular or horseshoe shaped coral reefs. यहाँ देख सकते हो बच्चों आप corals reef means बच्चों चट्टाने corals जो deposits होकर वहाँ पर बने हुए. And Kavarathi is the administrative headquarters of Lakshadweep Island. This island group has great diversity of flora and fauna. Kavarathi is the capital of Lakshadweep Island. Can you tell me what is the capital of Andaman and Nicobar? Yes, Andaman and Nicobar's capital is Port Blair. Here I am finishing this video. Hope you have understood. If any queries, please ask through the Gmail. Take care. Bye.